Top 20 News is brought to you by Vithoba in association with Valke Happy Homes, Mugdha EECP and Heart Care Center. नमस्कार, स्वागत है आपका NBC News पर. आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर. जम्मू कश्मीर के कुलगाम के समनू इलाके में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान दूसरे दिन भी जारी है. इजरायली वायुसेना ने दमिश्क में ईरान समर्थित आतंकवादियों के खिलाफ लक्षित रक्षात्मक हवाई हमले शुरू कर दिए हैं. अमित शाह आज बूंदी के हिंडोली में पेट की बावड़ी मसूदा के विजयनगर और नसीराबाद में आम जनसभा को संबोधित करेंगे. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले फाइनल मैच के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम को तैयार किया जा चुका है. यहां 1 लाख से ज्यादा दर्शक पहुंचेंगे. छठ पूजा को देखते हुए दिल्ली सरकार के उत्पाद शुल्क आयुक्त ने 19 नवंबर को ड्राई डे घोषित कर दिया है. ऐसे में इस आदेश के बाद रविवार को शराब की दुकानें बंद रहेगी. भारतीय शेयर बाजार के लिए आज का दिन बेहद खराब शुरुआत वाला साबित हुआ है. सेंसेक्स करीब 200 अंक टूटा तो निफ्टी करीब 100 अंकों की गिरावट के साथ खुला. एयर इंडिया के पायलट की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई है. मृतक पायलट की पहचान कैप्टन हिमानिल कुमार के तौर पर हुई है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से पूर्व कप्तान मोहम्मद हफीज को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. हफीज को यह जिम्मेदारी वर्ल्ड कप में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद दी गई है. महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र का दौरा शुरू कर दिया है. इस बीच माणिकराव शिंदे का कहना है मराठा आरक्षण के लिए प्रधानमंत्री को संसद में प्रस्ताव पारित कराना चाहिए. जालना के अंबाड में एक ओबीसी सभा होने वाली है. सभा में महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल, पंकजा मुंडे, कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार समेत कई ओबीसी नेता मौजूद रहेंगे. एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया है कि बीजेपी जहां भी सत्ता में है वहां आप चुनाव के बाद गैर भाजपाई सीएम बनते देखेंगे. एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के कार्यकर्ता गुरुवार को आमने सामने आकर पार्टी के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे के स्मारक पर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखे. महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों ने एक युवक की हत्या कर दी है. मौके से मिले नोट पर आरोप लगाया गया है कि मृतक पुलिस का मुखबिर था. महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से कुछ बड़ा खेला होने वाला है. एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मुलाकात के बाद मंत्री अनिल पाटिल ने दावा किया है कि शीतकालीन सत्र के पहले अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें नवंबर के महीने में 10% से ज्यादा कम हो गई हैं. आने वाले दिनों में ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम $70 प्रति बैरल पर आ सकते हैं. मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप ने एक और बड़ी जिम्मेदारी दी है. उन्हें रिलायंस ग्रुप की नई लिस्टेड कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में अहम काम सौंपा गया है. दिसंबर में बैंकों का कामकाज कई दिनों के लिए बंद रह सकता है क्योंकि अगले महीने कई दिन तक अलग अलग बैंकों में हड़ताल रहेगी. बिग बॉस 17 के इस वीकेंड के बार में काफी कुछ देखने को मिलने वाला है. जहां होस्ट सलमान खान कई कंटेस्टेंट की क्लास लगाते नजर आएंगे तो वहीं अंकिता लोखंडे को गाइड करते हुए भी दिखेंगे. रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें विश्व कप 2023 का फाइनल मैच खेलेंगे. वहीं बॉलीवुड के शहनशाह अमिताभ बच्चन इस दुविधा में है कि उन्हें ये मैच देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए. मुंबई के ग्रांट रोड इलाके के पास एक इमारत की 11वीं और 12वीं मंजिल पर आग लग गई. सूचना मिलने पर अग्निशमन सेवाएं मौके पर पहुंची. ये थी आज की टॉप 20 खबरें. खबरों का सिलसिला NBC न्यूज़ पर यूं ही लगातार चलता रहेगा. आप बने रहिए हमारे साथ NBC न्यूज़ पर. नमस्कार.